अस्सलाम वालेकुम, मैं हैरी से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरी से होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे चैलेंज दिया है मेरी डॉटर्स ने, काइंड ऑफ माय लिए मेरे लिए वो चैलेंज ही होते हैं। जब वो कोई चीज़ डिमांड करती हैं तो वो यूट्यूब पे या ऑनलाइन कोई भी टॉयज़ वगैरह देख लेती हैं, तो फिर मुझे वो डिमांड करती हैं कि हमें वो ला के दो। तो सम टाइम तो वो आपको स्टोर से मिल जाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू हैव टू ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन। सो लेट्स सी कि आज वो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता जो उन्होंने मांगा है। मैंने ऑनलाइन सर्च करा और सर्च करके मैंने फाइंड किया है कि दिस स्टोर से मिल सकते हैं, चांसेस हैं। उनकी वेबसाइट पे है, थी वेबसाइट पे, मंगाने से दो तीन दिन बाद आती है, तो लिहाजा मैंने सोचा जाके स्टोर से ही ले आऊँ। तो लेट्स सी कि यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता। चलें जी, स्टोर पे तो मैं आ गया हूँ, अभी यहाँ से ढूंढते हैं किधर है। मिनी ब्रांड उनका नाम है जो हम लेने आए हैं, काइंड ऑफ बाल होती हैं छोटे छोटे से बाल, तो आई होप कि यहाँ से मिल जाए। इस तरह की होती हैं वो बाल, मगर ये इतने डिफरेंट। देखने में वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, मगर वो ब्रांड डिफरेंट है, एल ओ एल होता है। तो ये तो एल ओ एल है, वो उनका ब्रांड है, मिनी मिनी ब्रांड। जो हम लेने आए थे वो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। उसके अलावा जो है वो ये है। सेल्फ पे है, यहाँ पे आप खुद पे कर सकते हैं। सेल्फ पे करने में ये होता है कि लाइन इतनी लंबी नहीं होती, आपकी बारी जल्दी आ जाती है, मगर सारी चीज़ आपने खुद ही स्कैन करनी होती हैं, और उसके बाद आपने खुद ही उसको कार्ड से या कैश से ऑप्शन में जो आपने चूज़ करना है वो पे करके तो जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत अफसोस के जो हम लेने आए थे वो नहीं मिला, तो अब जाके उनको फेस करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने मुझे डांटना है कि क्यों नहीं मिली। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे टॉयज़ होती हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये ऑनलाइन ही अवेलेबल होती हैं, क्योंकि स्टोर्स वगैरह अगर इनको कैरी भी करते हैं तो सोल्ड आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऑनलाइन का ये है कि ऑनलाइन ऑर्डर करो तो एक दो दिन लग जाते हैं, तो इतना उनमें पेशेंट नहीं होता कि वो दो दिन वेट करें, वो कहती है अभी मिल जाए जो चीज़ हमने लेनी है। तो अब ऑप्शन तो नहीं है, अब जाके ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, और मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है प्राइम अमेज़ॉन प्राइम से। और दूसरा ये कि जो वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि वो है क्या जो नहीं मिल रहा इतनी मुश्किल से ढूंढ के भी। मैं वापस आ गया था स्टोर से घर, तो मैंने वहाँ पर देखा GoPro लगा हुआ था, मैंने घर आके प्राइस कंपेरिजन किया, तो ऑनलाइन या उनकी वेबसाइट से अगर लो तो थोड़ा सा महंगा है, तो मुझे यहाँ पर सस्ता लगा है। मैं सोच रहा हूँ GoPro ले लूँ अपने लिए, क्योंकि समटाइम मैंने बाइक राइड करनी होती है, बाइक राइड के लिए बेस्ट होता है GoPro। ओके जी, ये तो 199 का लगा हुआ है। ये मैं ही इधर अभी देख के तो इसको इधर इच्छा तक रख के चला गया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेने आऊँगा दोबारा, और सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। नहीं, दे हैव मोर, सेवन एट नाइन, अभी तो 9 भी आ गया, मगर ये 7 थोड़ा सस्ता लगा हुआ है, 4K ही है ये भी। तो मैंने कहा चलो पहले ये एक लेकर ट्राई करते हैं क्या इसका रिज़ल्ट है, कैसा है, गेट यूज टू, फिर इसके बाद जो है देखेंगे, अगर दूसरा वाला चाहिए होगा तो लेंगे इंशाल्लाह। हैप्पी GoPro ले लिया है,
आप घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। GoPro लिया और गाड़ी में लेके आया, लोगों को दिखाया कि मैंने GoPro ले लिया है। साथ मैंने जब उसके एक्साइटमेंट में था, जल्दीबाजी में मैंने ले लिया, तो जब मैंने गाड़ी में आके देखा तो उसमें तो इंक्लूडेड ही कुछ नहीं, सेल्फी स्टिक भी नहीं है, इवन के SD कार्ड भी नहीं था, एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, जस्ट लाइक अ कैमरा था हाली। तो मैंने हाली कैमरे को क्या करना था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। मैं देखूँगा ऑनलाइन कोई अच्छी सी डील और इंशाल्लाह फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, क्योंकि GoPro की मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। रिटर्न कर दिया, अब मैं ऑनलाइन देखूँगा, उनकी वेबसाइट पर देखूँगा कि कोई बेटर प्राइस में अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं लूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो फिर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्दी। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।